हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वर्षा पारक है। आज हम पढ़ेंगे स्क्रू गेज प्रैक्टिकल। छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये स्क्रू गेज छोटे से लेकर बहुत बड़े बड़े तक आते हैं। आप देख सकते हो, ये 25 मिलीमीटर, ये 15 मिलीमीटर, इससे और छोटे भी आते हैं, इससे और बड़े भी आते हैं, जिसका मेज़रमेंट आप कर सकते हैं। स्क्रू गेज प्रैक्टिकल में हम छोटे से छोटे इंस्ट्रूमेंट का डायमीटर फाइंड करेंगे। फाइंड करने से पहले हम आपको बता दें कि इंस्ट्रूमेंट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कंस्ट्रक्शंस कैसे होता है। तो ये जो हम सर्कुलर स्केल को घुमा रहे हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं, इस चीज़ को स्टड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टड। ये यू फ्रेम होता है, इसका स्ट्रक्चर इसलिए ऐसा बना जाता है, यू फ्रेम का बनाया जाता है। देन उसके बाद यहाँ आपको एक स्केल दिखाई दे रही हो जो खुलते जा रही हो, यह होती है मेन स्केल। ये 15 मिलीमीटर दिया हुआ है, तो ये ना, ये मेन स्केल कहाँ तक होगी? 15 मिलीमीटर तक होगी। सर्कुलर स्केल हमारी 100 भागों में विभाजित है, या 100 डिविजन्स में होती है। ये आपको दूसरी जगह ये दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं रैचेट। रैचेट का मतलब होता है, अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट कसने के बाद आवाज़ आती है, तो इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट पूरी तरह से कस चुका है और अब आपको वहाँ से रीडिंग लेना स्टार्ट करना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे मैं बता दूँ पिच क्या होता है। बहुत सारे एक्सटर्नल वाइवास क्वेश्चंस में पूछते हैं कि पिच क्या होता है। तो पिच आपको यहाँ थ्रेड्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे थ्रेड्स। इन थ्रेड्स में 1 थ्रेड से 2nd थ्रेड तक के बीच की डिस्टेंस को पिच बोला जाता है, पिच। अब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल स्टार्ट करने के लिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, छोटा से छोटा ऑब्जेक्ट लेते हैं। जैसे मैंने एक वायर लिया हुआ है, वायर का हम स्क्रू गेज से प्रिसिशंस निकालेंगे, मेज़रमेंट करेंगे। पर उसके पहले मैं आपको बता दूँ रीडिंग लेना कैसी है। हमने एक चार्ट बनाया है, चार्ट में मैंने आपको दिखाया कि मेन स्केल किस तरह से है। यहाँ पर है, ये मेन स्केल है। मेन स्केल के पास ये एक लाइन दिखाई दे रही है, कुछ इस तरह से लाइन दिखाई देगी आपको। यहाँ पर एक छोटी सी लाइन दिखाई देगी, वो छोटी लाइन इस सर्कुलर स्केल के जिस भी पॉइंट पर मैच कर जाए, किसी भी पॉइंट पर मैच कर जाए, तो वहाँ पर हमें रीडिंग लेना है, मेन स्केल की भी और सर्कुलर स्केल की भी। अब है पॉजिटिव एरर, ज़ीरो एरर एंड नेगेटिव एरर। अगर ज़ीरो, पूरा प्रैक्टिकल हमने बंद कर दिया और हमारे प्रैक्टिकल में ये, जब लाइन बिल्कुल एक्यूरेट ज़ीरो की लाइन, यानी मेन स्केल की लाइन, सर्कुलर स्केल की लाइन ज़ीरो एक दूसरे के इक्वल हो, तो वहाँ पर ज़ीरो एरर होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं ज़ीरो एरर। पॉजिटिव एरर कब होगा? जब ज़ीरो और ज़ीरो पूरा कसने के बाद ज़ीरो ऊपर चला जाए, तो उसमें होगा पॉजिटिव एरर। नेगेटिव एरर कब होगा? जब आपका ज़ीरो इस ज़ीरो के बिल्कुल नीचे चला जाए, तो उस इंस्ट्रूमेंट में होगा नेगेटिव एरर। आपने पिच भी देख ली, थ्रेड्स के बीच के डिस्टेंस को हम पिच बोलेंगे। अब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं कि प्रैक्टिकल्स को करना कैसे है। लेट्स स्टार्ट। अभी हमने लिया था प्रैक्टिकल्स के लिए एक वायर ली थी, जिसको हम मेज़रमेंट करने वाले हैं। इसको इसी तरह से कसना है कि आवाज़ आ जाए। जैसे ही आवाज़ आ गई, मतलब आपका वायर कस चुका है और आपको अब उसको निकालना है। निकालने के बाद उसको मेज़रमेंट करना है। मेज़रमेंट कैसे करेंगे? आप देख सकते हैं ज़ीरो के बाद कितनी लाइंस दिखाई दे रही है, 1, 2, 3। बट उसके पहले आपको लीस्ट काउंट निकालते आना चाहिए। आपको इसके लिए पहले लीस्ट काउंट निकालते आना चाहिए। लीस्ट काउंट निकालने के लिए इंस्ट्रूमेंट को आप ध्यान से देखिए। इंस्ट्रूमेंट में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1 mm, मीन्स 1 ब्लॉक आपका कितने इसका होगा, सॉरी यहाँ पे देखिएगा, 1 ब्लॉक खोलने के बाद डायरेक्ट ज़ीरो के बाद क्या आ रहा है, 5, यानी 1 ब्लॉक कितना है 1 mm का। तो आपको इसको सेंटीमीटर में करना है, तो मैं यहाँ लिख दूँ 0.1 सेंटीमीटर। एक ब्लॉक का मान क्या है, 0.1 सेंटीमीटर। देन आपको सर्कुलर इसमें जो डिविजन्स है कितने हैं, 100 डिविजन्स है। तो पिच का वैल्यू क्या निकलेगा, 0.1 अपॉन 100
पॉइंट हटा तो एक जीरो लगा, जब आप वन को थाउजेंड से डिवाइड करेंगे तो इसका लीस्ट काउंट आएगा 0.001 सेंटीमीटर, 0.001 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं इसका रीडिंग। आप रीडिंग लेने से पहले ये देख सकते हो, सीरियल नंबर, मेन स्केल, सर्कुलर स्केल इनटू लीस्ट काउंट, टोटल रीडिंग में ए प्लस बी, यानी मेन स्केल और सर्कुलर स्केल को आप प्लस करेंगे। लेट्स हैव स्टार्ट। आवाज़ आ गई, इंस्ट्रूमेंट को बंद कर दी, वायर को निकाल लीजिए। 1, 2, 3, 0.3 सेंटीमीटर। मेन स्केल का वैल्यू क्या आएगा? 0.3 सेंटीमीटर। और अब सर्कुलर स्केल का जो वैल्यू आएगा बिल्कुल 30 के नीचे है, यानी मीन्स 29 या 28 है, 29 इंटू लीस्ट काउंट कितना होता है आपका स्क्रू गेज का? 0.001 सेंटीमीटर। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0.029 सेंटीमीटर। अब आपको ए और बी को प्लस कर देना है तो क्या होगा? 0.329 सेंटीमीटर। ऐसा ही आपको दोबारा करना होगा, तीन बार इसकी रीडिंग लेनी है आपको, क्या कि हमने जो फर्स्ट रीडिंग ली है इट्स राइट और रॉन्ग, प्रिसिशन हो सकता है, कुछ इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकती है, तो हम इसे दोबारा चेक करते हैं। वापस हमारा मेन स्केल का वैल्यू कितना आया? 0.3, फिट है 0.3। अब इसका जो सर्कुलर स्केल में है वो वैल्यू थोड़ा चेंज लग रहा है हमें, तो 10, 15, 16, 17, 0.3 सेंटीमीटर 16 मल्टीप्लाई 0.001 सेंटीमीटर, 0.016 सेंटीमीटर। देन उसके बाद प्लस करेंगे तो 0.316 सेंटीमीटर। अब हम तीसरी बार इस वायर को करके देखेंगे, तीसरी बार किया, इसका भी 0.3 आया और वापस 29 आया। थर्ड टाइम किया, 0.3 सेंटीमीटर 29 मल्टीप्लाई 0.01 सेंटीमीटर, देन 0.029 सेंटीमीटर, फर्स्ट रीडिंग जैसी बिल्कुल 0.329 सेंटीमीटर। अब आप तीनों को, हमें पता नहीं कि एक्यूरेट कौन सी है, तो उसको करने के लिए हमें 1, 2, 3 को प्लस करना होगा। कीजिए, 0.329 प्लस 0.316 प्लस 0.329 अपॉन में 3, तीनों को आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 0.974। इसे 3 से डिवाइड करेंगे आप तो क्या आएगा? 0.324 सेंटीमीटर। अप्रॉक्सीमेटली आपकी जो रीडिंग होगी 3 to 9 के पास की है, तो मतलब आपकी दो बार ये वैल्यू आ रही है, तो मीन्स आपका प्रैक्टिकल में जो रीडिंग आना चाहिए वायर का डायमीटर के लिए 0.329 के अप्रॉक्सीमेटली आना चाहिए। ये था हमारा स्क्रू गेज का प्रैक्टिकल विद इन सेंटीमीटर। थैंक यू सो मच, प्लीज़ कमेंट कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, जिसमें प्रॉब्लम आ रही हो, कि आपको मेरा वीडियो समझाना अच्छा लगा हो, तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख सकते हैं कि अब अगला टॉपिक आपको कौन सा चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।